बिहार की सियासत की बिछ गई बिसात, किसकी बनने वाली है सरकार, हर सीट का चुनावी समीकरण देखिए सबसे पहले हमारे साथ सिर्फ लाइव 10 न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभांगी पांडे। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद बिहार में दलित राजनीति बदल गई है। बिहार में दलितों का नया नेता कौन होगा, इसके लिए चुनाव परिणाम तक इंतजार करना होगा, क्योंकि इस बार दलित मतदाता चुनाव के केंद्र में है। 50 साल बाद यह पहला चुनाव है जिसमें दलित राजनीति का बड़ा चेहरा यानी रामविलास पासवान नहीं होंगे। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान अकेले चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, उनकी नज़र दलित वोटरों पर है। राजनीति में उनका मुकाबला करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अशोक चौधरी और जीतन राम मांझी को आगे किया है। महागठबंधन की नज़र भी 16% दलित वोटरों पर ही है, लिहाजा परिणाम के बाद ये तय होगा कि दलितों का अगला नेता कौन होगा। चुनाव के बीच रामविलास पासवान के निधन से चिराग की चुनौतियां बढ़ी हैं। ये सही है कि लोजपा को कुछ सहानुभूति वोट मिल सकता है, पर चिराग के सामने लक्ष्य खुद को दलित नेता के तौर पर स्थापित करना है। उसके लिए उन्हें पासवान के साथ रविदास और मुसहरों को भी समर्थन जुटाना है, क्योंकि दलितों में 70% से अधिक ये तीनों जातियां हैं। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में लोजपा को 2-3 सीटें मिलती रही हैं। वर्ष 2010 में पार्टी को 3 सीटों के साथ करीब 7% वोट मिला था, जबकि 2015 में 2 सीट और 5% वोट मिला था, जबकि लोकसभा में भाजपा और जेडीयू के साथ चुनाव लड़कर लोजपा 8% वोट और 6 सीट जीतने में सफल रही थी। ऐसे में चिराग की राह आसान तो नहीं है। लोजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि बिहार में करीब 1.5 दर्जन सीट पर पासवान मतदाताओं की संख्या काफ़ी अधिक है, इसके लगभग 50 सीट पर भी पासवान मतदाता हैं। ऐसे में लोजपा पासवान के साथ भाजपा समर्थक वोट जुटाने में सफल रहती है तो जीत के दहलीज तक पहुंच सकती है। पार्टी इसी रणनीति के तहत विधानसभा चुनाव लड़ रही है। राजनीतिक जानकारों की माने तो रामविलास पासवान का कद बहुत बड़ा था, इसके साथ वो परिवार के सभी सदस्यों को साथ लेकर चलते थे, कार्यकर्ताओं की भी उन तक सीधी पहुंच थी। ऐसे में चिराग के लिए पासवान समुदाय को एकजुट रखते हुए परिवार को भी साथ लेकर चलना ये उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि कई नेता मानते हैं कि उन्हें परिवार के अंदर भी चुनौतियां मिल सकती हैं।